Hello students, my name is Ritu Sharma. I'm a faculty with ICMI, basically economics faculty over there. मैं आपके साथ में पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का मेरे पास में जितने भी मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी दैट वुड बी रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स ओनली बिकॉज आई यू कैन कॉल मी एज अ इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट. आपके साथ में ये जो हम इकोनॉमिक्स अभी कर रहे हैं ये चाहे आप बीकॉम पास लेवल पर हों या ऑनर्स लेवल पर हों ये वाले जो आपके पास में वीडियोज़ होंगे ये आपको उस चीज़ में काफ़ी हेल्प करेंगे. This time what has happened, इस समय अगर मैं सिर्फ और सिर्फ DU की बात लेकर चलूँ तो DU ने इस बार अपने पास में सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है जो कि पहले साल में एक बार एग्जाम होता था. अब उन्होंने सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस करने से अब हर मोर और लेस 6 मंथ पे होगा. अब आपका नेक्स्ट ड्यू कब है, आपका नेक्स्ट एग्जाम ड्यू है नवंबर में, तो उस हिसाब से आपके पास में अभी काफ़ी कम टाइम है पूरा का पूरा सब्जेक्ट करने का. एक तरीके से पॉजिटिव बात यह है कि इन कंपेरिजन आपका पहले से जो साल में पूरा का पूरा एक बार करते हैं अब वो सिलेबस उस हिसाब से कम हो गया है रहता. डी यू के अलावा अगर बाकी स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं इस वीडियो को तो एक ये वाली बात है कि डी यू के अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं मोर और लेस हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस इज मोर और लेस द सेम. लेकिन अगर आप एक बार सिलेबस देख के या कवरेज उसको देख के अगर आप हमारे इसको लिंक करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमारे पास में कौन कौन से टॉपिक्स कवर हैं या अगर आपको उसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स चाहिए होंगे तो बट ऑफकोर्स आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट. हमारे पास में इस समय मेरी वीडियोस में आपको बेसिकली क्या हेल्प मिलेगी, माय कंसर्न इज़ बेसिकली कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है. लिसन, आपने 11th या 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी, मैं आपको इकोनॉमिक्स उस लेवल से समझाऊंगी कि जिस तरीके से कि आप इकोनॉमिक्स पहली बार पढ़ रहे हैं, चाहे वो छोटा सा एक प्राइस वर्ड हो, चाहे कॉस्ट वर्ड हो, चाहे मार्केट वर्ड हो, एक एक लाइन, एक एक चीज़, बेसिकली आपको हर एक एक चीज़ का मतलब मैं पहले क्लियर करूँगी उसके बाद में आपको समझाने की कोशिश करूँगी. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे थिंक कि इकोनॉमिक्स जो है ईजी सब्जेक्ट है, ये सिर्फ एक रटने वाली चीज़ है या मगअप करने का चीज़ है और इस वजह से वो इसको काफ़ी लाइटली ले लेते हैं. इसी वजह से जो डी यू में हमारे पास में मोस्ट ऑफ द रीअपीयर के केसेस जो होते हैं वो इकोनॉमिक्स में ही आते हैं. कुछ एक ये भी हो सकता है कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, दैट आई विल हेल्प यू आउट. लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट समझिए, उसको याद करिए एंड वी नीड अ प्रिपरेशन टाइम. आप अगर उसको ठीक ढंग से प्रिपेयर करेंगे तो आई एश्योर यू कि हमारा जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, मैं आपको एश्योर करती हूँ कि अगर आप ठीक ढंग से जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिस तरीके से मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ या जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइम टू टाइम बता रही हूँ, अगर आप वो सब करेंगे यू विल डेफिनेटली स्कोर 60+. अच्छे से और ज़्यादा करेंगे तो बट ऑफ कोर्स आई वॉन्ट कि आपके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आएँ, वाली चीज़ तो है ही है. हमारे पास में मैं आपके पास में बेसिकली यहाँ पर जितना भी हमारे पास में सिलेबस होगा उसका कवरेज फुल होगा. ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ कह रही हूँ तो बाकी टॉपिक्स छूट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. पूरे के पूरे टॉपिक्स आपके अच्छे से कवर करे जाएंगे, प्लस उस टॉपिक में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से करने हैं. एक तरीका वो भी होता है कि हमें क्या होता है कि कभी कभी हमें क्वेश्चन भी समझ में आता है, प्लस हमें ये भी पता है जस्ट बिकॉज कि हमने पढ़ाई करी है तो हमें आंसर्स भी पता है, बट वी डू नॉट नो द प्रेजेंटेशन एज सच. तो आई विल टेल यू द प्रेजेंटेशन ऑल्सो कि किस हिसाब से हम प्रेजेंट करेंगे आंसर को सो दैट के हमें ज़्यादा मार्क्स मिले, उस वाली चीज़ में हम देखेंगे. और इसके बाद में हमारे पास में है, अगर हमारे पास में अभी अगर हम इकोनॉमिक्स का एक बेसिक कंसेप्ट लें कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, एक दो पॉइंट्स मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी सो दैट कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि अभी जो हम आगे वाले वीडियोस में जो कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहती हूँ हम किस तरीके से बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ और आपको किस लेवल तक वो चीज़ समझ में आ रही है. अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द इकोनॉमिक्स. हम इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स हमारे पास में एक कॉमर्स, जिस दिन हमने 11th में कॉमर्स फील्ड को ऑप्ट किया उस दिन कुछ एक सब्जेक्ट्स हमारे पास में आ गए जिनमें से एक है इकोनॉमिक्स, अदर आर अकाउंट्स, लॉ, इस तरीके से कुछ एक बेसिक सब्जेक्ट्स हमारे पास में आ गए. मतलब जब तक आप इस कॉमर्स फील्ड में रहेंगे कुछ एक सब्जेक्ट्स आपके पास में रहेंगे, इकोनॉमिक्स इज जस्ट वन ऑफ देम. इकोनॉमिक्स क्या है, हमारे पास में इकोनॉमिक्स को हमने इकोनॉमिक्स हमारे पास में माइक्रो एंड मैक्रो
इन दो पार्ट में हमने इकोनॉमिक्स को बेसिक डिवाइड करा है. अब क्या हो गया है कि माइक्रो मैक्रो के साथ में उन्होंने इंडियन में इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है. अभी जो आपके पास में लेवल है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ईयर ओनली, जो अभी हमारे पास में लेवल है, कुछ एक टॉपिक्स हमारे पास में माइक्रो के हैं एज वेल एज वी हैव सम टॉपिक्स ऑफ द मैक्रो ऑल्सो. हमारे पास में मैक्रो का हमारे पास में लास्ट वाले उसमें था, लेकिन इस बार हमारे पास में अभी मैक्रो का इतना ज़्यादा पॉइंट नहीं है, माइक्रो पर इन्होंने बेसिकली इंसिस्ट करा है. अगर हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात करें कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, कुछ आइडिया अगर आपको लग सके, क्योंकि अगर हमें सब्जेक्ट पूरा का पूरा पढ़ना है तो पहले हमें सब्जेक्ट का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं. आई एम यूजिंग द वर्ड स्टडी. स्टडी का मतलब क्या होता है? जस्ट एक रीडिंग करना नहीं होता. स्टडी मतलब हम डिटेल में कुछ एक टॉपिक को जब हम पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ते हैं और इस बात से कि वो वाले जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा हम उसे एब्जॉर्ब करें, देन दैट वर्ड इज कॉल्ड स्टडी, नॉट रीडिंग. इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट रिसोर्सेज. अब ये रिसोर्सेज हो सकता है कि हमारे लिए बिल्कुल न्यू वर्ड हो, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोज में भी बताया था कि ये किस तरीके से होता है, ये रिसोर्सेज हमारे लिए क्या चीज़ होती हैं. रिसोर्सेज एक तरीके से इकोनॉमिक्स के लिए वही है जैसे कि जब हम कहें कि इंग्लिश के लिए बेस क्या है, इंग्लिश के लिए बेस होता है हमारा अल्फ़ाबेट्स. अल्फ़ाबेट्स बोले तो ABC. अगर आपको ABC अच्छे से पता है तो यू एबल टू फ्रेम सेंटेंसेज. ये आगे हम अच्छे से करेंगे. व्हेन एवर यू आर डूइंग मैथ्स, मैथ्स में बेस क्या है? नंबर्स, नंबर्स 1, 2, 3. सबसे पहले आपको ये चीज़ सिखाई जाती है. उसी तरीके से जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में. अब ये रिसोर्सेज क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज? रिसोर्सेज मीन्स एनीथिंग which helps in doing any activity. Resources वो होते हैं जो हमारी help करते हैं कोई भी activity को complete करने के लिए. इसके साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि ये जो मैं आपको इस समय notes लिखवा रही हूँ ये भी आप अपने पास में jot down कर सकते हैं. Plus I will provide you the study material. एक जो आपके पास में स्टडी मटेरियल होगा उसमें मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसमें होंगे, प्लस उसके साथ में आपको ये वाले जो पॉइंट्स आपके पास में आ रहे हैं अभी जो मेरे लेक्चर में आपके साथ में मिलते रहेंगे, दैट यू कैन जॉट डाउन ऑल्सो. ये वाले पॉइंट्स उसमें भी होंगे लेकिन वो थोड़ा सा और फॉर्मल तरीके से होगा. ये जैसे रिसोर्सेज की डेफिनेशन है, या अभी मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं या हम मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं. ये कुछ एक डेफिनेशंस ऐसी हैं जो कि आपको हो सकता है किसी बुक में ना मिले. ये खुद मेरी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मैंने स्पेशली किसी चीज़ को आपको समझाने के लिए उस चीज़ को उसी तरीके से ड्राफ्ट किया है सो दैट कि आप उस चीज़ को समझ सकें. ये ऐसा कोई कॉपी पेस्ट वाला नहीं है. प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि मैंने किसी बुक में से ऐसा उठा के आपके स्टडी मटेरियल में वो चीज़ डाल दी है. नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट. ये पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल हैज़ बीन स्पेशली ड्राफ्टेड फॉर यू ओनली, फॉर द ग्रेजुएशन पीपल ओनली, बीकॉम पास एंड द बीकॉम ऑनर्स एंड दैट टू रिलेटेड विद दिस फर्स्ट सेमेस्टर ओनली. ठीक है, इसके साथ में हमारे पास में मेन बात यह है कि दिस फर्स्ट सेमेस्टर वी आर गोइंग टू टेक इट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो एज सच इसके कोई प्रीवियस वाले पेपर्स नहीं हैं. तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारे पास में पैटर्न हमें नहीं पता, बट वट आई नो आप मेरे उस नॉलेज का फ़ायदा आप लोग ले सकते हैं क्योंकि मुझे ये पता है कि कौन से चैप्टर में से कौन सा पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन चाहे इस तरीके से ड्राफ्ट हो चाहे दूसरे तरीके से ड्राफ्ट हो, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस पॉइंट को जो कि आपको क्लियर कट अच्छे से पता है आप उस पॉइंट को इसमें इंकल्केट करके यू कैन वेरी वेल डिफाइन द आंसर. उसी तरीके से आप आंसर कर सकेंगे. तो हमारा जो पॉइंट रहेगा वो मेरा रहेगा कि आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक छोटा से छोटी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. आई एम नॉट आस्किंग यू टू मग अप एवरीथिंग, नो. अगर आपको चीज़ समझ में आ जाएगी और अगर आपको हेडिंग्स याद होंगे तो बट ऑफ कोर्स मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बन जाएगी कि हम उसमें फर्दर 2-3 लाइंस जो हैं अपने हिसाब से एड ऑन कर लें. क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं
उसका आंसर हम किस हिसाब से फ्रेम करेंगे सो एज टू हैव दी मैक्सिमम मार्क्स. देखिए वन पॉइंट इज देयर, अंडरस्टैंडिंग इज डेफिनेटली वन ऑफ द पॉइंट, लेकिन अगर हमें हमारे साथ में एक और भी चीज़ है कि हमें मार्क्स भी तो मैक्सिमम चाहिए, तो वो वाला चीज़ भी आपके साथ में ये वाला पर्पज जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा. अगर आप लास्ट डे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सम स्टूडेंट्स आर देयर, क्योंकि वैसे तो हमारे पास में कम टाइम बचा है, बट सम स्टूडेंट्स आर देयर जो कि ये चाहेंगे कि शायद सिर्फ हम लास्ट डे प्रिपरेशन करें लास्ट डे प्रिपरेशन में. बट ऑफ कोर्स आई विल टेल यू वेन इन एडवांस कि ऐसा नहीं होता कि जो पूरे अच्छे से 4-5 महीने स्टूडेंट्स पढ़े हैं वो कहीं से भी उस हिसाब से कम्पीट कर सकते हैं जो कि लास्ट में सिर्फ 1 मंथ पढ़े हैं. उतना कंपेरिजन नहीं होता है, उतनी अच्छे से स्टडी नहीं हो पाती है. लेकिन अगर फिर भी बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन्स आपके पास में सिर्फ टाइम ही नहीं बचता है और अगर आप सिर्फ लास्ट डे पर जा रहे हैं तो हाउ आई विल हेल्प यू आउट, क्योंकि जो मैंने आपको लास्ट टाइम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही हूँ वहाँ पर वो आपको हेल्प करेंगे. और उसके बाद में आपके पास में मेरा यू विल गेट माई नंबर ऑल्सो, आई वुड बी ईजिली अवेलेबल टू यू रिगार्डिंग. आप मेरे से क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स भी करूँगी, एक तरीके से आंसर फ्रेम हम भी करेंगे पूरा का पूरा. आई एम बेसिकली क्या हम चाह रहे हैं, मैं क्या चाह रही हूँ कि आप जब भी इस ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करें तो आपकी मेरी वीडियोस देख के उतना कंफर्ट लेवल आ जाए कि एक एक ग्राफ को आपको स्टडी करना आए कि ये ग्राफ ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं है. मैं आपको इस बात का भी जवाब दूंगी कि ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं है या अगर ये चीज़ ऐसे है तो क्यों है. ग्राफ्स आपके पास में ऐसे भी बनते हैं, इस साइड भी बनते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बनते हैं, ग्राफ्स आपके पास में वर्टिकल भी बनते हैं. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. पॉइंट टू पॉइंट जब भी हम उस टॉपिक पे आएंगे तो मैं आपको वो वाले सारे पॉइंट्स बताऊंगी. माई मेन आइडिया इज़ कि पूरा का पूरा आपका इकोनॉमिक्स थॉरोली हम उसको बहुत अच्छे से करें. सो दैट इज़ दैट आई बिलीव कि वो मेरी तरफ से पूरा का पूरा एफर्ट रहेगा. रेस्ट क्योंकि बिकॉज यू आर द वन जिसने एग्ज़ाम करना है तो बाकी एफर्ट डालिए. हम दोनों का अगर एफर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द सिलेबस जो आपके पास में बीकॉम पास बीकॉम ऑनर्स में जो जो सिलेबस में आ रहा है आपके पास में उसमें से किसको हमने कितनी वेटेज देनी है वो वाला मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. Thank you.